साथियों, बीते 5 वर्षों में मैंने इनकी ऐसी अनेक ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की कोशिश की है और इसके कारण वो सुबह डिक्शनरी खोल करके बैठ जाते हैं, पूरी डिक्शनरी छान मारते हैं और देखते हैं कि अब कौन सी गाली बाकी है, आज पूरा दिन मोदी को ये गाली चलाएंगे। एक ही कार्यक्रम, नई नई गालियां खोजना, नई नई गालियां बनाना और मोदी ऊपर फेंकना, ये इनका काम है। आज मोदी जब अपने इन शहीदों को याद करता है तो इन्हें दिक्कत होती है। जब 1857 की क्रांति के शहीदों का सम्मान दिया जाता है तो इन्हें मोदी से दिक्कत होती है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य को नमन किया जाता है, लाल किले पर आजाद हिंद सरकार की याद में झंडा फहराया जाता है तो इन्हें मोदी से दिक्कत होती है। जब जलियांवाला बाग के शहीदों के नाम पर दिल्ली में याद ए जलियां म्यूजियम बनता है तो इन्हें मोदी से दिक्कत होती है। जब आजादी के इतने दशकों के बाद देश के हजारों शहीदों की याद में नेशनल वॉर मेमोरियल बनता है, देश के लिए मरने वाले पुलिस जवानों के लिए, पुलिसों के लिए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनता है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। अरे ये काम तो उन्होंने पहले करना चाहिए था, देश आजाद होने के बाद करना चाहिए था, सही किया। दशकों के इंतजार के बाद पूर्व फौजियों की वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी की जाती है तो इन्हें मोदी से दिक्कत होती है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का 70 साल का बनाया इकोसिस्टम, कांग्रेस के राग दरबारी, उसके परिवार के गुलाम चाहे जितनी साजिश से रच ले, चाहे जितने झूठ बोल दे, इन्हें मोदी से हार माननी पड़ेगी। और मोदी अकेला नहीं है, मोदी अकेला नहीं है, 130 करोड़ हिंदुस्तान के दिलों में मोदी बसता है।